हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो X70 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इस सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक, सेलेक्ट टू स्पीक पे सेलेक्ट करना है। ये आपका पेज ओपन हो जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक का। इसमें आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट ऑफ, इसके नेम के ऊपर आपको टैप करना है। आपका एक सेलेक्ट टू स्पीक का न्यू पेज आएगा, इस पेज को ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, अलाउ पे सेलेक्ट करना है। यहां पर आपका सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट का एक न्यू पेज आएगा। इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। बॉक्स में राइट टिक लगाना है, इसके बाद आपको नीचे यस का सेव का बटन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेलेक्टिव स्पीक सेटिंग ऑन हो जाएगी और आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये सेलेक्टिव स्पीक का एक शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सेलेक्टिव स्पीक सेटिंग को किसी भी पेज में, किसी भी ऐप में आप कभी भी इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यूज कैसे करना है कि आपको सेलेक्टिव स्पीक का शॉर्टकट बटन है, इसे आपको एक बार दबाना है तो आपके मोबाइल फोन के नीचे की साइड ये रेड कलर का एक बटन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आपको उंगली को रखना है और खींचना है, तो एक ग्रीन कलर की लाइन बनती है। इस ग्रीन कलर की लाइन के अंदर आप लिखा हुआ जितना भी आप एरिया कवर करेंगे ना, इस ग्रीन कलर के लाइन के अंदर लिखा हुआ एरिया, तो उतना एरिया आपका मोबाइल फोन आपको रीड करके बताएगा, यानी कि पढ़ के बताएगा। देखिए ध्यान रखिए आपके मोबाइल फोन की वॉल्यूम भी फुल होनी चाहिए पहले से। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए मैं इतना एरिया कवर कर लेता हूं ग्रीन कलर की लाइन के अंदर। अब देखिए मैं उंगली को छोड़ देता हूं। सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी बटन शॉर्टकट सेटिंग्स, आपने देखा मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल फोन ने मुझे पढ़ के बताया। ठीक है दोस्तों, इस सेटिंग का आप ना ज्यादातर आप यूज कर सकते हैं, कोई लंबा पैराग्राफ है, कोई लंबा एक पेज है जिसमें काफी सारे वर्ड्स हैं जिसे आप पढ़ने में काफी समय लग जाएगा, तो आप इस सेटिंग का यूज करके इसे आप जो है ना एरिया सेलेक्ट करके, एरिया कवर करके आप छोड़ दीजिए, आपका मोबाइल फोन आपको पढ़ के बता देगा। ठीक है ना, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी सेलेक्टिव स्पीक सेटिंग।